हमने अपनी पहली वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों भविष्य के वाहन नहीं है, जहां बहुत से लोगों ने ये समझ लिया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया पर राज करने वाली है और जिसकी शुरुआत टोयोटा कंपनी ने कर भी दी है। यूं तो हम इंसान कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं, और जब सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसान अपनी धरती के साथ कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज हमारी धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। और अगर 2050 तक हम लोग अपनी धरती के तापमान को 2 डिग्री से कम करने में सफल नहीं हुए तो हमें इसके बेहद भयंकर परिणाम भुगतने ही होंगे, जिसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हम लोग अगर चाहते तो अपनी धरती को बहुत पहले बचा सकते थे, लेकिन इंसान का लालच अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य तक को भूल गया और जब आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तैयारी धरती को बचाने की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की हो रही है, जिसके चलते CO2 को कम करने के भरसक प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। फिर भी प्रयास के तौर पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देख रहे हैं। फिलहाल अब पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जीरो इमिशन व्हीकल्स पर जोर दिया जा रहा है। फिर भी जहां हम लोग अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने की सोच रहे हैं, वहीं बहुत से दूसरे देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ भविष्य के एक बेहतर और प्रदूषण ना फैलाने वाले व्हीकल्स को अपनी सड़कों पर उतार रहे हैं। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा आज पूरी दुनिया में एक और टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है जो भविष्य में इलेक्ट्रिक कार को भी पीछे छोड़ देंगी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन 1832 में पहली इलेक्ट्रिक कार के इन्वेंशन के बाद से अभी तक टेस्ला जैसी कंपनी भी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और चार्जिंग इशू से जूझ रही है, जिसके चलते नई बैटरी टेक्नोलॉजी को इजाद किया जा रहा है। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बैटरी चाहे कोई भी हो, वह हमारे पर्यावरण को नुकसान जरूर पहुंचाएगी, और आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर पूरी पृथ्वी पर बैटरी प्रदूषण का अंबार लगने वाला है। अगर बात सिर्फ भारत की करी जाए तो स्थिति बद से बदतर होने वाली है। आज पूरे भारत में ई रिक्शा इको फ्रेंडली होते हुए भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बन चुके हैं। भले ही ये देखने में जीरो एमिशन व्हीकल्स लगे, मगर इनको चार्ज करने में लगने वाली 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बनाई जा रही है, जो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करती हैं। ऐसे में भारत और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और भारत इसकी शुरुआत अपने चंद्रयान मिशन से कर भी चुका है। भारत आने वाले कुछ सालों में चंद्रमा से यह ईंधन लेने में सफल हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो समझ लो कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में बिजली की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। यह ईंधन बिल्कुल साफ, सुरक्षित और 100% इको फ्रेंडली है। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो देख लेना। लेकिन फिर भी चाहे कितनी भी फास्ट चार्जिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक कार अपनी कमी की वजह से फ्यूचर कार बनने से एक कदम पीछे ही रहेगी, जिसकी वजह इसकी बैटरी का होना है, जो धरती के लिए एक बेहद बड़ी समस्या होने वाली है। क्या आपको पता है कि ई रिक्शे की बैटरी की वजह से आज पूरे भारत में प्रदूषण का एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे निपट पाना बेहद मुश्किल हो चला है। भारत में बैटरीज को रिसाइकल करने का कोई खास नियम नहीं है, और पूरे भारत में धड़ल्ले से सुरक्षा को ताक में रख कर बैटरी डिकम्पोज की जा रही है, जिसकी वजह से जल, थल और वायु प्रदूषण के गंभीर खतरे खड़े हो चुके हैं। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भविष्य में वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो पूरी दुनिया पे राज करेगी। तो इसका सबसे सीधा जवाब है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। जहां तेल से चलने वाली गाड़ियां जहरीला धुआं और बिजली से चलने वाली कार से खतरनाक बैटरी प्रदूषण फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है, वहीं हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल से निकलने वाला वेस्ट केवल पानी होगा, और वो भी इतना शुद्ध कि जिसको पिया जा सके।
शायद आपको पता ना हो पर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन किसी पेट्रोल या डीजल इंजन से 3 गुना पावर और किसी 1 किलोग्राम लिथियम आयन बैटरी से 236 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है। जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी एक समस्या है, वहीं हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बैटरी होती ही नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जनरेट होती है और ये फ्यूल सेल एक एनोड और एक कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन से बना होता है और यह इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी किसी पॉलीमर मेम्ब्रेन या सिरेमिक मेम्ब्रेन से बना हो सकता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस फ्यूल सेल से गुजारा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिससे कि एक कार की मोटर चलती है और वेस्ट के रूप में हीट और शुद्ध पानी उत्पन्न होता है और ये एक ऐसा ईंधन है जो धरती से कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए सही मायने में इसको भविष्य का ईंधन माना जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह किसी बड़े कमर्शियल प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए कितने किलोग्राम की बैटरी लगेगी? आज एक एयरबस 380 वजन में 5,90,000 किलो के आसपास है और अगर इसको बैटरी पावर से लिफ्ट ऑफ करने की सोचे तो अंदाजन एक एयरबस को लिफ्ट ऑफ करने के लिए उसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी से लगभग 30 गुना ज्यादा भारी बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी और एक एयरबस की फ्यूल कैपेसिटी 13,15,292 लीटर की है। ऐसे में ये जहाज उड़ना तो दूर की बात, हिल तक नहीं पाएगा। वहीं इसके विपरीत नासा ने हाइड्रोजन से चलने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण भी कर डाला है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा यह धुआं कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना शुद्ध पानी का बादल है और नासा बहुत ही जल्द हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले रॉकेट को स्पेस में भेजने भी वाला है। ऐसे में भले ही भविष्य के जहाज हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ना उड़े पर उनको लिक्विड हाइड्रोजन से हवा में उड़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2005 में BMW ने अपनी कार को लिक्विड हाइड्रोजन से सफलतापूर्वक चलाया था, यानी संभव है कि भविष्य में एयरप्लेन लिक्विड हाइड्रोजन से उड़ाए जाएंगे। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स की भी अपनी कुछ खामियां हैं, जैसे कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद ये एक महंगी गैस है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन अलग करने में काफी खर्च आता है, इसलिए यह एक महंगी गैस है। नंबर 2, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करना बेहद कठिन है। यह ईंधन का सबसे शक्तिशाली रूप होने के साथ साथ बेहद ज्वलनशील गैस भी है। लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि भारत को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, साउथ कोरिया, UK और USA अपने देश में इलेक्ट्रिक कार को नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि चीन और जापान तो अपने देश में 2030 तक 10 लाख से ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को अपने देश में उतार देगा। वहीं अमेरिका अपने शहर कैलिफोर्निया में 2025 तक 200 हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाने जा रहा है। लेकिन जर्मनी तो भविष्य में एक कदम और आगे निकल चुका है। इसने तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेन तक बना डाली है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं साउथ कोरिया भी 2030 तक 8.5 लाख हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स अपने देश में उतार देगा, क्योंकि इन देशों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भविष्य में पूरी तरह से यातायात के साधन नहीं बन सकते, इसलिए वे इन पर बेहद कम फोकस कर रहे हैं। ऐसे में जहां हम लोग इलेक्ट्रिक कार के सपने देख रहे हैं, वहीं दुनिया के बहुत सी कंट्रीज हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स में सफर भी कर रही हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया हाइड्रोजन फ्यूल्स की तरफ दौड़ रही है तो हम क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रहे हैं? बावजूद इसके कि चीन विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार निर्माता है, लेकिन अब वह भी ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ चला है, यानी हाइड्रोजन व्हीकल्स की तरफ। ऐसे में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक नायक क्यों बना दिया गया है? क्यों नहीं हमारे देश की मीडिया हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स पर कोई प्रतिक्रिया देती है? जहां हमारा देश पहले से ही ई वेस्ट रिसाइकलिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकलने वाली डेड बैटरीज का निपटारा हम लोग कैसे कर पाएंगे? और अगर फिर भी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही उतारने हैं तो इन व्हीकल्स की बैटरी रिसाइकल के बेहद सख्त कानून बनाने होंगे, नहीं तो ये भारत के पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित होने वाला है। आज पूरे भारत में हर साल 2 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा होता है और केवल 20% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी सबको तो या तो जला दिया जाता है या फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है, नहीं तो नदियों में बहा दिया जाता है। पूरे भारत में हर साल अरबों की मात्रा में ड्राई सेल बैटरी बनाई जाती है। अकेले ये कंपनी ही भारत में सालाना 1 अरब 20 करोड़ ड्राई सेल बैटरी बनाकर बेच डालती है और ऐसी भारत में बहुत सी कंपनीज है जो इन बैटरी का उत्पादन करती है, लेकिन सिर्फ 20% डेड बैटरीज ही रिसाइकल हो पाती है। बाकी की 80% डेड बैटरीज कभी रिसाइकल के लिए पहुंच ही नहीं पाती। अंदाजन एक जमीन में दफन बैटरी 100 साल तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रहती है।
और दुख की बात तो देखो कि भारत में इन ड्राई सेल बैटरीज के रिसाइकल का कोई भी नियम नहीं बना है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रिक कार को भारत में मत लेकर आओ, लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी होगी कि अगर किसी नई टेक्नोलॉजी से पर्यावरण के लिए नए खतरे खड़े हो रहे हैं तो हमें उसके साफ सुथरे विकल्प पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो हमें इसके खामियाजे भुगतने ही होंगे, जिनसे भारत जैसे देश का निपट पाना लगभग असंभव ही होगा।